हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग सी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वीगोवी। ये हफ्ते में एक बार दिए जाने वाला इंजेक्शन है और ये इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के अंदर जिनके अंदर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिनका BMI बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर उनके अंदर जिनका वज़न बढ़ने की वजह से दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है जो वज़न बढ़ने से डायरेक्टली लिंक्ड है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट का प्रॉब्लम, इन सब चीज़ के लिए वीगोवी का इस्तेमाल किया जाता है। वीगोवी हाल फिलहाल में ही FDA ने अप्रूव की थी और अब इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जल्दी इंडियन मार्केट में भी इसका आगाज़ हो जाएगा। सो वीगोवी क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और किनको लेनी चाहिए और किनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ये कैसे काम करती है और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वीगोवी के बारे में सोचने से पहले आपको कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीगोवी बेसिकली, इसको इस तरह से याद कर लीजिए, वीगोवी, वी फॉर वेट, गो अवे, यानी कि जो वज़न तू शरीर पे चढ़ गया है तू जल्दी से चला जाए यहाँ से। सो वीगोवी एक ब्रांड नेम है एक सॉल्ट का, जिस जो सॉल्ट होता है वो सीमाग्लूटाइड होता है। सीमाग्लूटाइड क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी हार्मोन्स वज़न बढ़ाने का काम करते हैं उनको काउंटर करने का काम एक हार्मोन करता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स, और इसी का एक मेडिसिन रूप है, यानी कि इसी की एक कॉपी है, इसी को मिमिक करता है ये वीगोवी के अंदर जो सॉल्ट होता है सीमाग्लूटाइड, वैसे ही काम करता है जैसे ये हार्मोन करते हैं वज़न कम करने का और वज़न बढ़ाने वाले हार्मोन्स को काउंटर करने का। सो अगर वीगोवी की जो डोज़ दी जाती है, अगर इसी डोज़ को बढ़ा दिया जाए तो यही चीज़, इसको बोलते हैं ओजेम्पिक, और इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए जिनके अंदर type 2 डायबिटीज़ है, यानी कि जो मेडिकेशंस पे हैं, इंसुलिन पे नहीं है, जो मेडिकेशंस पे हैं उनके अंदर अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके अंदर भी ओजेम्पिक इस्तेमाल करी जाती है। ओजेम्पिक वीगोवी का बड़ा भाई है क्योंकि इसकी डोज ज़्यादा होती है। सो काफ़ी इसके अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और जो वीगोवी होती है वो पांच तरह की स्ट्रेंथ में आती है, जैसे 0.2 मिलीग्राम, फिर 0.5 मिलीग्राम, फिर 1 मिलीग्राम, फिर 1.7 मिलीग्राम और फिर 2.4 मिलीग्राम। ये क्यों है, एक सीक्वेंस डबल, एक से दूसरे में डबल हो रहा है, क्योंकि ये इसी तरह से दिया भी जाता है, एकदम से ज़्यादा देने से पेशेंट को कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। सो कोई भी जो वीगोवी पे जिनको शुरू करते हैं डॉक्टर, पहले बिल्कुल मिनिमम डोज से शुरू करते हैं, और मिनिमम डोज क्या है, 0.25 मिलीग्राम, और इसको हर हफ्ते दिया जाता है, और शुरुआत में पहले 4 हफ्ते के लिए 0.25 मिलीग्राम ही दी जाती है और धीरे धीरे करके इसकी डोज़ को बढ़ाया जाता है, और इसकी मैक्सिमम डोज 2.5 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं है, हफ्ते में एक बार लगाया जाता है। और यही इसका अच्छा पॉइंट भी लोग काउंट करते हैं कि इसके लिए कंप्लायंस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब बात है कि ये लेनी किसको चाहिए। सो जिन लोगों का, जो अडल्ट हैं खासतौर से, जो अडल्ट है उनके अंदर जब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 30 और 30 से भी ऊपर चला जाता है, जिन जो ओवरवेट हो जाते हैं, तो उनके अंदर ही दी जाती है। या फिर अगर जिसका BMI 30 से ऊपर तो नहीं है, लेकिन BMI तो है कम, लेकिन उसके अंदर वज़न से रिलेटेड जो है बहुत सारी प्रॉब्लम है, यानी कि जिसका 27 या 30 के बीच में है और वज़न की वजह से होने वाली प्रॉब्लम जैसे BP का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो उनमें भी वीगोवी का इस्तेमाल किया जाता है। सो ताकि किसी भी बंदे के अंदर जो इफ़ेक्टिवली वेट लॉस किया जा सके और विदाउट अफेक्टिंग अदर बॉडी ऑर्गन्स और अदर बॉडी पार्ट्स और फंक्शंस, तो उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न एकदम से घटाने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये धीरे धीरे करके वज़न कंट्रोल करता है, और यही इसकी अच्छी बात है। बट एक इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बात बताना चाहता हूँ कि बेसिकली इसके लिए आपको साथ में जो डाइट लेनी होगी उसके अंदर कैलोरी भी कम चाहिए, और उसके साथ साथ आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, तभी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और लोग इसी को काउंटर भी कर रहे हैं कि जब एक्सरसाइज और कैलोरी कम लेनी है तो फिर आपको इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कैलोरी और एक्सरसाइज के बावजूद भी आपका वज़न जो है कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बॉडी में दूसरे मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जिन लोगों के लिए इंडिकेटेड है उनके लिए काफ़ी रामबाण की तरह है ये दवाई। सो जिन लोगों के अंदर, अब लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों के अंदर थायराइड का फैमिली में हिस्ट्री है, थायराइड के कैंसर की, या फिर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे
पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो जैसे एड्रिनल ग्लैंड है जो हमारे किडनी के ऊपर होता है, अगर इनसे रिलेटेड कुछ लोगों में काफ़ी सारे एंडोक्राइन जो ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स निकालने का काम होता है, एक साथ सारे ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसको हम लोग मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्मा कहते हैं, मैन टू या मैन वन, सो उनके अंदर इसको अवॉइड किया जाता है। कुछ लोगों को सीमाग्लूटाइड जो मेडिसिन होती है उससे भी एलर्जी होती है, सो उनको भी ये दवाई नहीं दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं दी जाती है, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई पहले से ले रहा है और प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो उसको 2 या 3 महीने से पहले इसको छोड़ देना चाहिए विगोवी को लेना, अदरवाइज़ इसका इम्पैक्ट बेबी पे हो सकता है और जो मदर का जो मिल्क होता है ब्रेस्ट मिल्क उसके अंदर भी जो विगोवी का जो सॉल्ट है सीमाग्लूटाइड वो आएगा और बच्चों को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं पहले से विगोवी पे है तो विगोवी को 2 से 3 महीने पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले छोड़ दीजिए। तो अब बात आती है कि विगोवी काम कैसे करता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये विगोवी के अंदर जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है ये होता है नकलची, ये उन हार्मोन्स की नकल करता है बॉडी के अंदर जाके जो हार्मोन वज़न कंट्रोल करने का काम करते हैं। यानी कि एक नेचुरल अकरिंग जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में जो वज़न कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन्हीं की नकल करके शरीर में काम करता है ताकि वज़न को कंट्रोल किया जा सके। ये उन सारे फोर्सेस को काउंटर करता है जो वज़न बढ़ाती है, और ये हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है, और कंट्रोल कैसे करता है, ये इंसुलिन के लेवल को जो है बढ़ाता है पैनक्रियाज के ज़रिए काम करवा के, और दूसरा क्या करता है कि जो लीवर से ग्लूकोज निकलता है उसके प्रोडक्शन को रोकता है, उसको ब्लॉक करता है, उसको रिड्यूस करता है। और इन सब से होता क्या है कि इंसान का जो भूख है, खाने की जो फीलिंग है, उसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जब आप कुछ भी खाना खाते हो तो जो डायबिटिक है या जिनका वेट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करता है, खाना खाया थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगी तो उनको गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी कि पेट से खाना एकदम से, मतलब उनको लगेगा कि अभी मेरा खाना जम नहीं हुआ तो भूख लगेगी ही नहीं उनको, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है उसको बढ़ा देता है ये विगोवी। सो ये काफ़ी तरह से काम करता है, यानी कि ये आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है आपके ब्रेन के ज़रिए। अब बात है कि लोग इसको इस तरह से भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में वज़न घटाने की मार्केट जो है वो बहुत बड़े होने वाली है, और इसी वजह से विगोवी को काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर एफिकेसी मानी जा रही है। अब कुछ चीज़ों के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी में कम किसी में थोड़ा, इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, जैसे कि नौजिया है, डायरिया है, कुछ लोगों में वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फिर स्टमक में पेन या सर दर्द या बहुत थकान रहना, पेट में हल्का हल्का अपसेट फीलिंग होना, या फिर पेट में ऐसे गैस जैसा बनना, या ऐसा लगना कि खाया कम है पेट ज़्यादा फूल गया क्योंकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम हो जाती है, उस तरह के जो है सिम्टम होते हैं कुछ लोगों में, गैस्ट्राइटिस या हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम होती है। बट ये जितने भी लक्षण होते हैं ये सारे के सारे शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े टाइम के बाद में ठीक हो जाते हैं, और इनको काउंटर करने के लिए, इनको ना होने देने के लिए ही दवाई जो है छोटे से लेवल से शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ाई जाती है ताकि बॉडी जो है धीरे धीरे अडाप्ट हो जाए, एकदम से आपको उसका अफेक्ट ना देखना पड़े। सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मैंने जैसे कि बताया कि जिन लोगों की फैमिली में थायराइड का कैंसर है या इस तरह की प्रॉब्लम है या एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनके अंदर इसको अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी नुकसान भी कर सकती है, बैकफायर भी कर सकती है। कुछ रेयर सिचुएशन में होता है कि जैसे जो हमारी पित्त की थैली है उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई, या कुछ लोगों में जो, क्योंकि ये शुगर कम करता है तो कुछ लोगों में शुगर ज़्यादा कम भी हो जाता है अगर ढंग से कंट्रोल ना किया होता, उसमें भी ये इसकी दिक्कत देखने को मिलती है, किडनी की प्रॉब्लम या छोटी मोटी जो है कई सारी प्रॉब्लम है जो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सही मॉनिटरिंग और सही सुपरविज़न में अगर इसको लिया जाएगा तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बात रही इसकी कॉस्ट की, तो फ़िलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और कई कंट्री में तो इसको इंश्योरेंस के वाली कंपनीज भी देते हैं, जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में तो इसको $1200 पर मंथ के हिसाब से भी इसकी कॉस्ट आंकी जाती है, तो इसलिए ये कॉमन मैन की रीच से थोड़ा बाहर ही रहेगा। सो ओवर द टाइम जैसे इसकी कॉस्ट कम होगी तो शायद ज़्यादा लोगों की रीच में बढ़ेगा, बट इसका जो फ़ायदा देखा जा रहा है वो कंप्लायंस देखा जा रहा है, और जो इसके एडेड एडवांटेज हैं वो देखे जा रहे हैं। सो यही बेसिकली
विगोवी के बारे में था। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और कौन सी मेडिसिन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसका नाम हमें कमेंट्स में लिख के मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो उससे हम आपको कोशिश करेंगे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। सो थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉर्ट टिप्स।